अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को बहुत सा सामान दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज तौर पर और सरीह जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे। और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे अहद वासिक भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका, ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ अगर उनके साथ तुमने मुबाशरत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है मगर जो हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम वाला है।